सर देखिए, एकजुट जम्मू के बाद बहुत की तरफ से बहुत देर के बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है और आज मजबूर हो गए हम पूरे जम्मू के मीडिया को बुलाने के लिए और कुछ बातों पे चर्चा करने के लिए। 370-35A की एब्रोगेशन के बाद इन जनरल जो परिस्थिति बनी और पिछले एक महीने में इन स्पेसिफिक जो परिस्थिति जम्मू कश्मीर में बनी है, जिस तरीके से गैर मुसलमानों का, हिंदूज़ का, सिखों का जेनोसाइड, नरसंहार कश्मीर में और जम्मू संभाग में अनअबेटेड चल रहा है और जिस तरीके से इंडियन स्टेट, भारत सरकार, भारत की राजसत्ता उसे नकार रही है, जिसके कारण इसकी निरंतरता बनी रह रही है, जिस तरीके से जम्मू को डिसएम्पावर करने की दिशा में इफेक्टिव कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से 2011 के फ्रॉड और फर्स्ट सेंसिस के आधार पर डिलिमिटेशन करवा के सत्ता पुनः कश्मीर को सौंपने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की चुप्पी इस हिंदू जेनोसाइड पे आपको देखने को मिली, जिस तरीके से भाजपा का जम्मू में एनसीकरण हो गया, दो एनसीज हैं जम्मू कश्मीर में, एक एनसी कश्मीर की एनसी और बीजेपी नई एनसी जम्मू की एनसी, तो मजबूरन अब हमने ये बिगुल फोका है कि एकजुट जम्मू बिल्कुल आगे फ्रंट पे लीड लेके सेपरेट जम्मू स्टेट के लिए लड़ाई लड़ेगा। और आज यही सरकार को चेतावनी देने के लिए कि अगर आपने जम्मू को अलग स्टेट नहीं बनाया, अगर समय रहते आपने जम्मू को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा नहीं दिया, या अगर आप इस यूनाइटेड J&K को इकट्ठा रख के किसी भी फॉर्मूले से 2011 सेंसिस, फ्रॉड सेंसिस के आधार पर डिलिमिटेशन करवा के इलेक्शन करवाने की दिशा में आगे बढ़े, तो जम्मू के लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, चाहे वो आकाश मेहरा हो, ज्वेलर हो जिनकी हत्या इसलिए की गई कि वो बाहर से आके कश्मीर में बसे थे, कुछ नहीं किया सरकार ने उसके बाद, अभी जो हमारे बिहार के, जम्मू के जिन लोगों की हत्या भी की गई, हमारे टीचर्स जिनकी हत्या की गई, दीपक चंद हो, सुपिंदर कौर हो, सबको श्रद्धांजलि देते हैं। और ये भी अब ये साफ तरीके से पूरे जम्मू संभाग से निवेदन करना चाहते हैं कि समय आ गया है जब एक बड़ी मूवमेंट के लिए हम लोग तैयार हों और जम्मू को अलग करवाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएं, जम्मू को सेपरेट करवाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएं। हम ये पिछले 1.5 साल से ये देख रहे हैं कि 370 और 35A को ख़त्म करना, एब्रोगेट करना मात्र एक एबरेशन था, वो एक एक्सेप्शन थी। 370 और 35A की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए, लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब कि कश्मीर से उठा के पावर के बैलेंस को आप जम्मू में शिफ्ट करिए, लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादियों को ताकत दीजिए, अलगाववादियों को, प्रो सेपरेटिस्ट को कमज़ोर कीजिए, लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब जम्मू का मुख्यमंत्री हो, लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब जम्मू को पॉलिटिकली एम्पावर किया जाए, लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब जम्मू के संभाग के रहने वाले लोगों के साथ नौकरियों में, ट्रेड में, टूरिज्म में, डेवलपमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी भेदभाव ना हो, वो नहीं किया गया। 370 और 35A ख़त्म करने के बाद इस सरकार ने बैकडोर से 370 और 35A को रीइंट्रोड्यूस करने का काम किया। 370 और 35A को ख़त्म करने के बाद इसने, भारत सरकार ने जो जम्मू कश्मीर में जंग चल रही है और हिंदू जेनोसाइड, हिंदू नरसंहार, जिसका जिसकी एक क्लियर मैनिफेस्टेशन है जिहाद, उसमें पर्दे डालने का काम किया, वो सब चीज़ें जिससे जम्मू कमज़ोर हो रहा है उस पर ब्लर कैंपेन चलाने का काम, जिससे नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता है उस पर पर्दे डालने का काम, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम यहाँ का तंत्र कर रहा है, स्टेट अपरेटस कर रहा है। इसलिए जम्मू संभाग जो डेमोग्राफिक असॉल्ट को कंटिन्यूसली अभी भी फेस कर रहा है, लैंड जिहाद को कंटिन्यूसली अभी भी फेस कर रहा है, हाई कोर्ट से जजमेंट करवाने के बावजूद यहाँ की सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल करके उस लैंड जिहाद के प्रोसेस को ख़त्म करने की दिशा में जो कदम उठाने थे उसे रोक दिया, वो जो फेस कर रहा है कंटिन्यूसली, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि जम्मू एक अलग राज्य बने, जम्मू एक अलग सेपरेट स्टेट बने, ताकि जम्मू का मुख्यमंत्री हो। और ये नेशनल इंटरेस्ट के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है।